baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars, yeah, we're stars in the sky. तो अभी सुबह को शोल्डर वर्कआउट मारने के बाद मेरे को लग रहा था कि मेरी एक मीटिंग है 10 बजे जिसके लिए मैं मेरी साइकिल भगा के लेके आया, बट वो मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन हो गई। तो घर पे जाके जस्ट मैंने चिकन वगैरह बनाया, हार्ड अप बनाना, एक दो ईमेल्स लिखने थे वो लिख दिए, एंड उसके बाद अभी हम लोग किधर जा रहे हैं, फ्रेशर्स पे, राइट? वी हैव टू रजिस्टर विद द जीपी एंड देन गो टू। अरे हाँ, पहले हम लोग को यहाँ पे एक डॉक्टर के साथ रजिस्टर करना है, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर, फिर अगर एक बार रजिस्टर कर लिया तो फ्री है। ऐसे ऐसे बीमारियां मैं ठीक करवाने वाला हूँ अभी, तो मेरे को मालूम भी नहीं कि मेरे को है। साला मेरी कमर ठीक करवाओगा, घुटना ठीक करवाओगा, एल्बो ठीक करवाओगा, ट्राइसेप ठीक करवाओगा, इन लोग भी बोलेंगे साले तो कितना टूटा हुआ है। तो इन लोगों की तो मैं जान खाने वाला हूँ एवरी फ्राइडे, फ्राइडे नहीं, मेरा वेनर्सडे ऑफ है, तो एवरी वेनर्सडे यहाँ पे जाके मस्त फिजियोथेरेपी करवा के आऊंगा। तो विल डू दैट अभी, उसके बाद फ्रेशर्स फेयर में जाना है। तो या एनीवेज, कल तो मेरे पास कैमरा वुमेन रहने वाली है नहीं, सो आई जस्ट हैव टू ब्लॉग एवरीथिंग मायसेल्फ। मैं पूरा कैमरा से ब्लॉग कर लूंगा, एंड पहली बार ये चैनल में आप लोग ने मेरे को सनग्लासेस के साथ देखा रहेगा, नॉट इवन किडिंग, पहली बार मैंने खुद को सनग्लासेस के साथ देखा है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। सो या एनीवेज, वी विल नाउ रजिस्टर विद द जीपी एंड शो यू गाइस अराउंड व्हाट फ्रेशर्स फेयर एट ससेक्स लुक्स लाइक। ये यहाँ का स्टूडेंट सेंटर है, लाइक स्टूडेंट सेंटर का ये पूरा एक ताजमहल जाना अलग से लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही थी, तो हम लोगों ने गधे जैसी चीजें उठाई, और ये एक आईडी कार्ड होल्डर भी मिल गया। पता है, वन गुड थिंग इज कि यहाँ पे मैं आईडी कार्ड पहन के घूमूंगा, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ इट। वहाँ पे साला सेंट फ्रांसिस में बाइक पे घूमो, ये करो वो करो, सब जगह आईडी मांगते थे पागल लोग। भाई दिस इज सो कूल मैन, लाइक आई कैड यू नॉट गाइज, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू बी हियर। लाइक ये बिल्डिंग क्रेजी है। अभी मैं एक डैनियल करके बंदे से मिला, मेरा जूनियर है यहाँ पे, वो यहाँ पे 3 साल से है। so, वो मेरे को बोल रहा था कि यहाँ पे कैसा है एंड एवरीथिंग, एंड मैं उसको वही बोल रहा था कि भाई ब्राइटन इज़ अनरियल, इट इज़ अ क्रेजी प्लेस। ये कॉलेज ही लाइक एक अलग सा छोटा सा टाउन है, मालूम है। जस्ट सो ग्रेटफुल टू बी हियर यार। अभी तो वो जीपी वगैरह का करके हो गया है, अभी हम लोग फ्रेशर्स फेयर के लिए जाने वाले हैं। अभी हम लोग ये कोई तो टेंट में आए हैं, वेलबींग टेंट में, और ये इसका वेलबींग थोड़ा हिला हुआ है, इसको कुछ लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इसके लिए भाई दिस प्लेस इज क्रेजी। सो यहाँ पे एक ये पूरा एरिया इज जस्ट फॉर चिलिंग, तो भूत बंगला जैसी वाइब आ रही है, बट ये टेंट में देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। ये तो सिर्फ एक एरिया है वो फ्रेशर्स फेयर का, बाकी की चीजें तो आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ, बट दिस इज सो क्रेजी मैन। यहाँ पे चाय होने वाली है और मैं अभी चाय क्रेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ तो एक कूपन फ्री में दे रहे थे, लाइक इफ यू स्पिन द व्हील एंड यू विन, यू गेट अ कूपन फॉर अ फ्री बरीटो। हम लोग बाकी का कचरा फेंकते हैं, यहाँ पे एज पे एक और कूपन पड़ा था, तो हम लोग ने फुल देसी मूव करके वो भी उठा लिया। तो अभी हम लोगों के पास 3 फ्री बरीटोस है, बट उसके लिए बस ब्राइटन जाना पड़ेगा। हम लोग सैटरडे जा रहे हैं, राइट? तो तभी जाते जाते खा लेंगे। अभी किधर? फ्रेशर्स फेयर सीधा। तो यार पहले अभी हम लोग बिजनेस स्कूल जा रहे हैं, फिर उसके बाद फ्रेशर्स फेयर। यहाँ पे बस थोड़ा फ्रेशर्स वीक में फ्री का खाना था, तो हाथ मारने आए थे, फ्री का और खाना मिल गया ब्राइटन में जाने के लिए, सो इट्स अ विन विन। तो अभी ये वाला बैग उधर देखे, हम लोगों को एक फ्री की स्लाइस मिलने वाली है। तो अभी हम लोग ने एक और नया देसी मूव पुल किया, यहाँ पे एक स्लाइस थी पिज्जा की, इफ यू आर इन अ वन लाइन, 3 लाइन थी। एक लाइन से पहले स्लाइस उठाई, दूसरे पे गए, दूसरे लाइन से दूसरी स्लाइस उठाई, फिर तीसरे से तीसरी उठाई, जो पेट भर के मेरे अभी मार्गरेटा खाया ना, अच्छी बात है। सुबह को वर्कआउट के बाद से काब्स नहीं खाए थे, सिर्फ एक केला खाया था, अभी इसको एम्बेरस करके बस में मेरा पेट भर गया। और ये चीज़ हम लोग बाद में वापस करने वाले, अभी तो फिलहाल के लिए ये एक लंबी सी लाइन में है। मैंने इसको बोला और 4-5 पीस खा लेते, बोलते कि नहीं पहचान जाएंगे। भाई मैं लिटरली एक लाइन में दूसरी बार भी गया, मेरे को नहीं पहचाना, फ्री लिखा है उधर, कहाँ पे लिखा है कि एक ही बार खा सकता है, नहीं लिखा, नॉट माई प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आके देखना है मेरे को क्या आगे चाहिए। लोगों को शॉपिंग के लिए लिटरली सूट केसेस लेके जाने पड़ते हैं। तो ये पार्ट मैं 3 दिन के बाद फिल्म कर रहा हूँ, वो जो फ्रेशर्स फेयर था उसके बाद, बिकॉज नथिंग मच हैपेंड, 2-3 दिन पूरे क्लासेस थे, सो आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन देम, एंड दिस इज जस्ट द आउट्रो। बट फाइनली यहाँ पे धूप आई है,
तो यहाँ पे हम लोग हफ्ते में एक बार शॉपिंग जाते हैं राइट, सो उसका बहुत ज्यादा सामान हो जाता है एंड बस स्टॉप से घर तक वो 10-10 किलो हाथ में उठा के लेके जाना इज वेरी अनोइंग। सो हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी से हम लोग सूटकेस वगैरह लेके चले गए एंड दैट्स इट। फिलहाल तो ब्यूटीफुल वेदर इन ब्राइटन एंड द रीजन मैं दो दो हुडीज इसके लिए विद वन ओवरकोट इसके लिए पहन के बैठा हूँ इज बिकॉज इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। आज सुबह 3 डिग्री जैसा टेम्परेचर था तो सुबह मेरा जो लेक्चर था वो फेयर वगैरह के बाद लग गए थे उसमें। जस्ट शूटिंग दिस आउटरो बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू से अ बिग थैंक यू टू यू गाइस बिकॉज द व्यूज ऑन द चैनल हैव बीन क्वाइट अमेजिंग रिसेंटली एंड वापस से वो मोटिवेशन जो 2022 में था मेरे को टू प्रोड्यूस कंटेंट इट इज बैक। सो जस्ट थैंक यू वंस अगेन, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे रिलेंटलेस, टाइम टू गो ऑल इन।